अक्षता शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग इंस्टीट्यूट में आपका पुनः स्वागत है आज आपको एसएससी स्किल टेस्ट के लिए 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको डिक्टेशन दी जाएगी जो कि पाँच सेकेंड बाद स्टार्ट होगी वन टू थ्री स्टार्ट सभापति महोदय सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है मैंने दस वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ बराबर कोशिश कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा इन लोगों ने क्या कसूर किया है यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था हर तरह की सहायता दी थी हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी अन्य की कमी कहीं नहीं थी अन्य की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं इसलिए सरकार का इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ आपको डिक्टेशन दे दी गई है इसको आप लोग लिखेंगे टाइप करेंगे और आज आपको एक विशेष सूचना देने चाह रहा हूँ कि यूपी से पिछले वीडियो में भी हमने ये सूचना रहा दी थी लेटेस्ट में अभी मान लीजिए इसी माह इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी आने वाली है स्टेनो की तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें और इस वीडियो को इस रिकॉर्डिंग को आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें केवल सुने ना इसको सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आपके लिए आगे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे थैंक यू सो मच